हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ डोरमेट, जिसे बनाने के लिए देखिए मैंने ये कतरन ली हुई है, जिसको मैंने कट कर रखा है। और देखिए यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, इसकी 3 इंच चौड़ाई है और 3 इंच इसकी लंबाई है। ये देखिए इस तरह से मैंने स्क्वायर पीस में ऐसे कट कर रखा है। जितने आपको ये कलर लगाने हैं उसमें से आप इसी तरीके से कट कर लीजिए। और देखिए बेस के लिए मुझे पैंट का कपड़ा चाहिए। अब देखिए मैं बेस बनाऊंगी इसका, तो देखिए इसको मैंने डबल फोल्ड किया पेपर को और यहाँ से फोल्ड कर देंगे। जितना बड़ा आपको चाहिए, आप देखिए ये दो बार मैंने फोल्ड किया तो ये 4 परत आ गई इस तरीके से। आप देखिए इस कॉर्नर से आप नाप लीजिए, जैसे कि आपको इस तरीके से 10 इंच का चाहिए तो आप 10 इंच पे निशान लगा लीजिए, 7 का चाहिए तो 7 पे, जितना आपको चाहिए वो आप लगा लीजिए। तो मैं आपको छोटा सर्कल बना के दिखा दे रही हूँ, इस तरीके से 6 छः यहाँ से नापेंगे, इस तरीके से यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और 6 ही इस कॉर्नर से नाप लेंगे ऐसे। आप देखिए इनको सभी को ऐसे राउंड में यहाँ से मिला देंगे तो ये आपका यहाँ पे सर्कल बनके कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे मिला दिया। अब मैं इसको कट कर दूंगी, इसी तरीके से आपको पैंट के कपड़े पे कट करना है। जो भी मोटा कपड़ा हो आप उसको ले सकते हैं। ये देखिए ऐसे इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये सर्कल बनाना है आपको। ये देखिए इस तरह से मैंने ये सर्कल कट कर लिया है, पैंट के कपड़े में से लिया है मैंने इसको। और देखिए आप चाहें तो इसकी साइड भी ऐसे फोल्ड कर सकते हैं किनारे किनारे पे। और देखिए अब मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए इसको मैंने यहाँ से ऐसे फोल्ड कर दिया और वापस इसको यहाँ से फोल्ड किया। ये देखिए इस तरह से, तो ये कॉर्नर आ गया यहाँ पे। अब हम यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से ऐसे, ये देखिए इन दोनों को इस तरीके से ऐसे, ये देखिए ऐसे, और यहाँ पे इसको सिलते जाना है राउंड में। आप चाहें तो सिलाई मशीन का भी यूज कर सकते हैं इसमें। ऐसे ये देखिए एक सिल दिया मैंने। अब देखिए दूसरा ऐसे फोल्ड किया बीच से और यहां से सेंटर से इसको वापस, देखिए यहां से ऐसे और इस कोने से ऐसे, ये देखिए बिल्कुल इसके पास में रखेंगे इसे। और जितना इसको ऊपर करेंगे उतना ही ऐसे करेंगे दूसरे वाले को। ये देखिए अब मैं ऐसे, देखिए इसको ऐसे यहां से ऐसे कर देंगे और यहां से ऐसे, ये देखिए, और इसके पास में रखते हुए बीच से फोल्ड किया इसको, वापस इसको यहाँ से कर दिया और यहाँ से ऐसे और इधर से ऐसे, दोनों तरफ से इसको ऐसे करके और इनको ऐसे सिलते जाएंगे राउंड में। तो देखिए इसी तरीके से मैं यहाँ तक इसको कर लेती हूँ पूरा राउंड कंप्लीट। ये देखिए इस तरह से इस राउंड को मैंने पूरा कर लिया। अब देखिए अगले राउंड के लिए मैं फिर से ऐसे और यहाँ से देखिए इस तरीके से और इधर से ऐसे, ये देखिए ऐसे ये बना के और लगाते जाएंगे। अब देखिए यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे, ये सिलाई नहीं दिखनी चाहिए, इतना आपको ये ऊपर रखना है इसके।
आप देखिए दूसरा, यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इधर से ऐसे, ये देखिए यहाँ से किया और इतना ही इधर से कर देंगे ऐसे, ये देखिए, और इसको यहाँ रख के ऐसे ऐसे, ये देखिए इस राउंड को भी हम पूरा कर लेते हैं। ये देखिए इस राउंड को भी मैंने पूरा कर लिया। आप देखिए अगले राउंड के लिए इस तरीके से मैंने फोल्ड किया, यहाँ से फोल्ड, इसके बाद फिर ऐसे और फिर ऐसे ऐसे देखिए, और यहीं से जहाँ पे राउंड खत्म हो रहा है यहीं से हम इसे सिलेंगे। ये देखिए ये देखिए ये देखिए इस तरह से मैंने इस राउंड को भी पूरा कर लिया। और देखिए मैं इसको छोटे साइज में बता रही हूँ आपको, अगर आप फुल साइज का बनाना चाहते हैं तो इस तरह के 14 या 15 रो होनी चाहिए, तभी आपका फुल साइज का बन पाएगा। जब आप सेंटर में आएंगे तो देखिए कोई एक इस ऐसे फोल्ड कर लीजिए और इसको भी राउंड में कट कर दीजिए। ये देखिए ऐसे ये राउंड हो गया। आप देखिए इसको हम थोड़ा सा पलटते हुए ऐसे यहाँ से सिल देंगे ऐसे करके। इस तरीके से घुमाते जाएंगे और इसको सिलते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा ऐसे। तरीके से इसको सिल लेते